वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपको टॉप 10 यानी कि फिर 10+ मैं आज आपको एंटोनम्स बताने वाला हूँ। और ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम पेपर से मैंने लिया हुआ है इन मॉडल सेट से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अलग अलग मॉडल सेट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सभी से मैंने सेलेक्ट करके एक जगह लिख लिए और उनको आज आपको बता देता हूँ। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको मॉडल सेट्स में लिया गया है, तो इनको आप याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फाउंडेड। देखो फाउंडेड का मतलब होता है अनस्टेबलाइज्ड, ये सबको पता होगा, बहुत नॉर्मल वर्ड है फाउंडेड। नेक्स्ट है प्रोप्रिएटर, और प्रोप्रिएटर का मतलब होता है एक तरह से मालिक, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा। आगे देखिए रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है देहाती, बेकार, तो इसका क्या हो जाएगा, रिफाइंड यानी कि अच्छा। नेक्स्ट देखिए सॉलिसिट, सॉलिसिट भी बहुत नॉर्मल वर्ड है, सॉलिसिट का क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट। नेक्स्ट देखिए सॉसी, सॉसी का मतलब होता है गुस्ताख, राइट ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा इसका उल्टा। नेक्स्ट है विल्ट, और विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। जैसे कि मान लो यदि आपने कोई पेड़ लगाया, पौधा लगाया, अब पौधे में अगर आप पानी नहीं दोगे, सूरज की किरणें उसे नहीं मिलेंगी, तो वो मुरझा जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिवाइव, यानी कि आप जब उसमें पानी दे दोगे और सूरज की किरणें भी उस पर पड़ेंगी तो वो क्या करेगा, दोबारा से रिवाइव करेगा यानी सर्वाइव करेगा एक तरह से। नेक्स्ट है पंजेंट, और पंजेंट का मतलब बहुत नॉर्मल होता है, जैसे कि वेदनाजनक, किसी को पंच करना, है ना, पंजेंट करना, तो इसका ऑपोजिट होता है माइल्ड, MILD। नेक्स्ट देखिए रिवेज, रिवेज का मतलब होता है नाश, रिवेज, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिस्टोर करना, रिवेज का मतलब होता है खराब कर देना, और रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से मरम्मत करके उसे सुधार देना। नेक्स्ट है विशियस, और विशियस का मतलब होता है पापी, यदि किसी व्यक्ति ने बहुत गलत काम किए हुए हैं, पाप किए, तो उसको बोलते हैं विशियस, क्योंकि विष यानी जहर के समान होता है, तभी तो पाप होता है ना, तो विशियस ऐसे याद रख लो। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नोबल, नोबल का मतलब होता है अच्छे लोग। आपने देखा होगा कि इसका ऑपोजिट याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि नोबल पुरस्कार अच्छे लोगों को ही मिलता है, तो हम इसलिए कह सकते हैं इसे नोबल। नेक्स्ट है जीलट, और जीलट का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। देखिए अभी आप लोग एक्साइटेड हैं किस क्षेत्र में, अभी आपको सबको वेट होगा कि एयरफोर्स का एडमिट कार्ड कब आए, सबको इंतज़ार है, आएगा निश्चिंत रहें 15 तारीख तक आ जाएगा, तो सबको इंतज़ार है ना, आप क्या जीलट हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, यार मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, मैंने तो अपने फ़ोटो पर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं लिखी है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बट देखिए जिनका आएगा उनका आएगा, आप तैयारी पूरी रखिए, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टॉलरेंट हो जाएगा, यानी टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील, आप ज़्यादा उत्साह मत बनिए, तो ये हो जाएगा सेंसिटिव टॉलरेंट। नेक्स्ट है परप्लेक्स, देखो परप्लेक्स का मतलब होता है घबरा जाना, जब आप GD देंगे ग्रुप डिस्कशन आप एयरफोर्स के अंदर, तो उस टाइम पर क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं यानी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत हेजिटेट फील होता है कि यार हम तो सामने इतने बड़े ऑफिसर्स के सामने बैठे हुए हैं, जबकि दोस्तों वो नॉर्मल होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन GD में जाएं, तो उस टाइम पर आप अपने दिल के अंदर सिर्फ एक बात सोच के जाना कि यार मैं तो यहाँ पर अकेला बैठा हूँ और सामने भी अकेला ऑफिसर बैठे हुए हैं, सिर्फ मेरा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वो सामने मेरे बैठे हैं। अगर आप सोचोगे कि मेरे इतने लोग हैं, इतने और भी मेरे फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो आप अच्छा नहीं फील कर पाएंगे, अकेला फील करना आपका GD बहुत अच्छा जाएगा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अश्योर हो जाएगा, ठीक है। परप्लेक्स का मतलब होता है घबरा जाना, तो अश्योर का मतलब होता है विश्वास हो जाना, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब तो मैं खैर नेवी में तैनात हूँ, बट जब एयरफोर्स में था तब इसी तरह से मैं इनको सोचता था, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अश्योर। नेक्स्ट है फ्लोरिश, और फ्लोरिश का मतलब सबको पता होगा सफल होना होता है ना, फलना फूलना होता है फ्लरिश, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डीके। नेक्स्ट है फ्रेजाइल, देखो फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब आपको पता है बहुत अच्छा नहीं हो, बॉडी वॉडी नहीं हो उसकी, है ना, तो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, तो फ्रेजाइल का उल्टा क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, यानी ROBUST। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, मतलब रोबोट की तरह हो। नेक्स्ट है जेडेड, देखो जेडेड का मतलब होता है थका हुआ। अब थका हुआ कैसे, आप देखो रातों रात पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं जब मेरे ग्रुप में और मेरे जितने भी दोस्त सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि सर देखो आज मैं ना 15 घंटे पढ़ा, आज मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप
पढ़ाई यदि कम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्टडी कर दीजिए, कंपटीशन टफ होने वाला है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ना पढ़िए। सिर्फ 1 महीने का टाइम है, 1 महीना आपकी लाइफ को बना सकता है, तो आप ज़्यादा पढ़ें। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जैडेड होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्रेश्ड, यानी कि दोबारा से तरोताजा हो जाना। पैरल, देखो पैरल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, राइट ना, जो बहुत लापरवाह होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये इसका ऑपोजिट है दोस्तों। ये 15 थे, आगे जितने भी और बचे हुए मॉडल सेट्स के अंदर वो मैं अलग अलग आपको दे दूंगा। वो दोस्तों क्या कि टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ इस टाइम पर मैं, तो इसीलिए मैं वीडियो इस टाइम पर नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। बट जितना भी आपको मिल रहा है अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत अच्छा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लीव करिए।